हेलो फ्रेंड एंड वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, आपको मैं सास सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो से। तो आज से हम सास सीखना शुरू कर दिए हैं। तो देखते सास है क्या, सास के फ़ायदे क्या है और सास से हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और सास क्यों इम्पोर्टेंट है एचटीएमएल सीएसएस के बाद। तो चलते कुछ और यूट्यूब पर सास के, ठीक है। मैं आपको थोड़ा क्रिएटिव करके दिखाना चाह रहा था, तो उसमें सब बना कर रखा हुआ है। सास का इंट्रोडक्शन क्या है, सास स्टैंड फॉर साइंटिफिकली ऑसम स्टाइल शीट। इसका एब्रिविएशन है, इसकी पूरी याद दे सकते हैं, मैंने आपके लिए ईजी करा हुआ चीज़, ठीक है ना। तो सास के फ़ायदे क्या है, ईजी तो मेरे मतलब हर बंदा सीख सकता है, आराम से कर सकता है, कोई इशू नहीं है। तो फ़ायदा है कैसे, और फ़ायदा ये कि कम कोड करके आप अपनी स्पीड और टाइपिंग बढ़ा सकते हैं। ये बड़े प्रोजेक्ट में काम आएगा, छोटे प्रोजेक्ट में काम नहीं आएगा। जैसे बिग प्रोजेक्ट है, इसे ई कॉमर्स साइड है, तो 20-22 पेजेस की साइड है, तो कोई वो आसानी करेगा। और एक हर प्लेटफॉर्म पर चलेगा, मतलब छोटा वर्जन हो क्रोम का, फायरफॉक्स का, ओपरा का, सब पे चलेगा। सास का ये एक ही खूबी, हर ब्राउज़र में काम कर सकता है। और ये सीएसएस का प्री प्रोसेसर है, मतलब क्या ये कि कंपाइलर पे काम करना पड़ता है, सही से कंपाइलर होता है, ये खुद सामने नहीं दिखेगा, इसे हमें कंपाइल करना पड़ेगा। जैसे लेस है, सास है, सही है ना, ऐसे कंपाइलर पे चलते हैं इसलिए। अच्छा, ये इसका कोई मसला ये भी है कि ये इसकी फाइल बनती बनाएंगे हम लोग, पर शो होगी सीएसएस के ऊपर। तो मैं आपको सिखाऊंगा बाद में कैसे काम होता है, ठीक है ना। हम लोग ये सास एचटीएमएल के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, मतलब उसके अलग से फाइल बनेगी, सीएसएस के अलग से फाइल बनेगी और एचटीएमएल के अलग फाइल बनेगी। तो तीन फाइल क्रिएट होगी तो सास चलेगा। सास खुद पर रन नहीं होता, जैसे हम एचटीएमएल लिखते कोड लिखते तो हमें सामने आ जाता है, वैसे नहीं आएगा ये सामने, हमें इसको कंपाइल करना पड़ेगा सीएसएस के थ्रू। उसका बताऊँ कौन सा कंपाइलर इस्तेमाल होता है, क्या चीज़ें होती है, ऑनलाइन कंपाइलर कौन सा है, हम किस पर काम करेंगे, इस बात सब बताऊँगा मैं, ठीक है। तो ये ब्राउज़र हर ये जो ब्राउज़र आपको बताना चाहता हूँ, ये कोड हर ब्राउज़र चल सकता है, सीएसएस का और सास का। अच्छा, अभी हम चलते हैं इसके बारे पर कि ये हम उसके फीचर क्या है इसके, हम इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। ये देखिए वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल ये चीज़ें होते हैं जो हम स्टोर करते हैं। मैं आपको हैंडिंग कर देता हूँ, मतलब आपने जावास्क्रिप्ट भी पढ़ी है, हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, पीएचपी पढ़ी है, हम उसे वेरिएबल लेते हैं कुछ चीज़ स्टोर कराने के लिए। अच्छा है कि साथ में चीज़ें आ गई कि आपको पहले नॉलेज हो जाएगी वेरिएबल की, नेस्टिंग की, लूप की, मिक्सिंग की, कंडीशन रिफ्रेश, कंडीशन स्विच केसेस की साथ के अंदर हो जाएगी। ये बहुत अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी सीखी है, इसको बहुत अच्छा समझने मिल जाएगा। अच्छा, वेरिएबल्स क्या है, मतलब आप स्टोर कर लें कोई चीज़ डॉलर लगा के, नाम लिख के और सब पे आपने इनपुट करते गए, तो एक ही वेरिएबल में रेड कलर लगाया आपने तो सब पे रेड कलर लग गया एक ही कमांड पे। तो हम सीखेंगे, कोई मसले की बात नहीं है, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। नेस्टिंग क्या होती है, नेस्टिंग ये होती है कि आपने एक हम क्लास बनाते हैं, आई डी और क्लास, ये सब जैसे क्लासेस बनेगी और मल्टीपल इस्तेमाल होगी, मतलब हर जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेस्टिंग होता है एक क्लास का फंक्शन बना दिया, मैंने हर जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। और इम्पोर्ट क्या है, इम्पोर्ट ये कि मैं खास की कोई फाइल बुलाई, फिर मेन फाइल बनाई, सबको अंदर काम किया और इसी के अंदर मल्टीपल फाइल बना के हमने इम्पोर्ट करा, इस तरीके से काम करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा मैं। और मिक्सिंग मैक्स क्या है, वो मिक्सिंग मैक्स बोलते हैं हम इसको कोड को रीयूज़ करना बोलते हैं, मतलब एक कोड हमने यूज़ कर लिया और उसको वाकई में जगह इस्तेमाल करना है उसी वेबसाइट के अंदर, उसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है ना। अब एक कमांड है एक्सटेंड की, एक्सटेंड क्या करता है कि अगर कोई क्लास आ जाता है, कोई कोड लिखा है या कोई क्लास का कोई सवाल है या आईडी बनाई है आप लोगों ने, तो उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो उसके साथ, क्लास के साथ, सही है ना। ये आप सब आपको सिखाऊँगा और सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, परेशान होने की बात नहीं है। ऑपरेटर क्या होता है, ये मजा आएगी आपको जब जावास्क्रिप्ट पे आओगे और इस पर भी, तो प्लस माइनस डिवाइड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को कहते हैं, सही ना। ऑपरेटर्स है कैसे काम करता है, ये एंड का ऑपरेटर होता है, नॉट का ऑपरेटर होता है, डिवाइड का होता है, एडिशन होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, हम इसे ऑपरेटर भी सीखेंगे। अब फंक्शन क्या है, इसका मतलब कॉल फंक्शन बिल्ड करना, फंक्शन बताने कोई फंक्शन बिल्ड जैसे इसके क्लिक पर ये चीज़ चले गया, ये इवेंट कॉल आउट हो, ये चीज़ चले, इस फंक्शन आप देखते हो कि स्मोक बन के चल रहा होता है, इवेंट कॉल आउट होते हैं, क्लिक के ऊपर इवेंट चल जाए,
माउस ओवर पे इवेंट चल जाए, ये फंक्शन ये काम करते हैं, इवेंट क्रिएट करते हैं। इजीली समझाने के तरीके से। अभी कंडीशन स्टेटमेंट, इफ एज स्टेटमेंट बोलते हैं, इफ एज आ गई इसको बोलते हैं, सम कंडीशन फ्यू केसेस हो गई, ये सब है। लूप मेन मसला मुझे लूप पे आता है, आपको भी इच्छा लूप में मसला आएगा। लूप मेरा थोड़ा वीक है और मैं आपको गाइड कर दूँगा जितना मुझे आता है। लूप नेस्टिंग की तरह ही होता है, ठीक है ना, ये PHP के ऊपर, जावास्क्रिप्ट के ऊपर, जावास्क्रिप्ट के ऊपर, Vue.js के ऊपर वो लूप चलता है। लूप पे आपको पैटर्न बनाना सिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट के ऊपर, तो आपको और क्लियर हो जाएगा लूप के बारे में, ठीक है ना। नेस्टिंग की काम होता है बेसिकली मल्टीपल कंडीशन लगा के, मल्टीपल काम करा के, वेरिएबल क्लियर करा के लूप चलता है। अच्छा, ये कौन कौन बंदे सीख सकते हैं ये काम, ठीक है ना, किस किस को ये काम सीखना चाहिए, क्योंकि व्हाट नॉलेज डू यू हैव बिफोर लर्निंग सास, सही है। कौन कौन बंदे ये सीखे जिसको HTML और CSS आती हो, सही है। और ये हम लोग जो सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे ना सास में, वो होगा SCSS सास, सही है ना। फिर सास बहुत खुद मुश्किल है, इसका कंपाइल है, सही है ना, आपको दिखाना कितना मुश्किल है सास करना हो ऐसे CSS में। ये मैं पिक्चर है, मैं ओपन कर रहा हूँ, हम इस पर काम करेंगे, हाउ टू राइट सास कोड। मैं सास सेंटेंस देखोगे तो आप कहीं कोमा और ना डॉट ना कहीं कुछ ब्लॉक्स नहीं है, ना कोई जैसे देखिए उसमें कली बेसिस है, इसमें नहीं है। इसी से हम लिखते थे सिंपल, तो देखिए कितना हम लिखते थे, UL लिखता रहते, नैब बार हो गया, UL ID हो गई, अरे ये कितना सिंपल है। ये इस तरह काम होगा, मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो पर, हम इस पर भी काम करेंगे पूरा, कि मार्जिन कैसे देनी है, पेडिंग कैसे देनी है, स्टाइल क्या है, सब क्या है, वेरिएबल क्या है। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग के सॉफ्टवेयर के ऊपर और इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, सही है। तो हम चलते हैं पहले ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के ऊपर, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ और एक और भी है, तो लोग हर कोई इस्तेमाल करता है, ठीक है। सास मैसेजर हर कोई इस्तेमाल करता है, मैं ये इस्तेमाल करता हूँ CS पोर्टल, सही है। और इसके कुछ वो भी है कि कंपाइलर भी है, KOALA कोला, देखो बताना आपको अच्छी ज़रूरी है, आपका इंटरव्यू हो सकता है तो आपको पता हो कि कोला है क्या, कोला चलता कैसे है। ये कोला चल जाएगा। अब CSS पोर्टल क्या काम करता है मैं आपको भी दिखा देता हूँ, कि सास में ऐसा है कि CSS क्या है, लाइब्रेरी सबकी बनी हुई है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो पोर्टल खुल गया HTML का, जैसे पोर्टल आ गया है, सही है, आपको सब दिख रहा हूँ, फंक्शन क्रिएट हो रहा है, सब हो रहा है, नंबर लिस्टिंग आ रही है, ये इसका पूरा पोर्टफोलियो है। अब एक कोला ऐप 2.0 है, सही है। इसकी एक और जगह है आपको डाउनलोड करनी है, तो सास पर जाके लिखेंगे आप सास, तो आपको उसका नया वर्जन मिल जाएगा। ये सास का पोर्टल है, वही सास का मेन्यू जनरेटर है, और ये सेस मैस्टर है, सही है। इसमें आप कोड लिखेगा, देखिए आप दिखाता हूँ थोड़ा करके आपको, नैव आपने यहाँ लिखा नैव, ऐसे वहाँ बना हुआ है, देखिए आप कली बेसिस ले लिए, तो ये नैव चलाया थे, UL चलाया, थोड़ा सा काम करना शुरू किया। कि मेरा एक बटन ख़राब है, इसका मसला ऐसे रहेगा, हम कोडिंग इस पर नहीं कर सकते, मैं वो समझाने के लिए कर रहा हूँ कि कैसे खुद कंपाइल करेगा, कि खुद को कंपाइल करना शुरू कर देगा, सही है। ये CSS पोर्टल आ गया, ये फिर सर्विसेस है, सही है। आगे आपसे कोई और भी ले लेना, कैसे करता है कि CSS जनरेटर क्या काम करता है, क्या टाइम पर कैसे होगा, मैं सबको गाइड कर दूँगा। अभी सास देखिए, सास पर जाएंगे तो जिस पोर्टल की मैं बात कर रहा था ये ना वो कंपाइलर है, एक्सटर्नल पर जाएंगे आप, सही है। ये देखिए कंपाइलर कोला है ना, ये भी है स्काउट ऐप, और आपका हैमर भी है, कोड की चीज़ सब मैक के लिए भी इस्तेमाल होता है, विंडोज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये कोला हो गया आपके यहाँ, मैं स्काउट ऐप में इस्तेमाल कर सकता हूँ, है ना। ये दोनों बेहतरीन सॉफ्टवेयर है कंपाइलिंग करने के लिए, सही है। ये सास का मेन इसका वो है कमांड है, इसके बारे में पढ़ सकते हो, यहाँ से आपको ब्लॉग पढ़ना है, इसके बारे में लर्न CSS सोच सीख सकते हो, इसको किस पे काम करेगा,
चाहिए आपका सक्सेस। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इसको कभी नहीं छेड़ना आप, समझने भी नहीं है कि आपके सही है। मैं वो तो चीज़ें दिखा देता हूँ कि हम नेक्स्ट चलेंगे इसे काम के ऊपर। अच्छा, जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे ये स्कॉट ऐप आ गया, ये डॉगी बना होगा, आप डाउनलोड करोगे, अब डॉगी पे क्लिक करोगे चल जाएगा ये, सही है। ये अब हम इसमें अभी इतनी मेहनत नहीं करेंगे, कोला भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, कोला अब ऑन हो गया है, सही है। अच्छा, मैं जो इस्तेमाल करूँगा आपको सब सिखाने के लिए वो वी एस कोड होगा, वी एस कोड मैं इस पर काम करेंगे, सही है। आप डाउनलोड कर लेंगे, मैं डाउनलोड हुआ हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बाहर आ गया वी एस कोड, तो आप फिक्र नहीं करें, इसमें हम लोग ऑटोमेटिकली लाइन सी एस एस सॉल्व हो जाती, कंपाइल सॉल्व हो जाता है, तो हमें इतनी पंचायत करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप ये इस्तेमाल करो या वो इस्तेमाल करो, ये चीज़ इस्तेमाल करो, इसी कंपाइल डालोगे और ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलेंगे, जब अगली वीडियो बनेगी तो मैं बताऊँगा इस सॉल्यूशन क्या है इसकी, इसे हम कैसे काम करें, कैसे कंपाइल डालेंगे और कैसे हम फिर हम उसे वेरिएबल सीखेंगे, सही है। चलिए, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं अगली वीडियो। हेलो फ्रेंड एंड वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, आपको मैं सास सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो से, तो आज से हम सास सीखना शुरू कर दिए हैं। तो देखते सास है क्या, सास के फ़ायदे क्या है और सास से हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और सास क्यों इम्पोर्टेंट है एचटीएमएल सीएसएस के बाद। तो चलते हैं कुछ और यूट्यूब पर सास के, ठीक है। मैं आपको थोड़ा क्रिएटिव करके दिखाना चाह रहा था, तो मैंने सब बना कर रखा हुआ है। सास का इंट्रोडक्शन क्या है, साल स्टैंड फॉर सेंटिकली ऑसम स्टाइल शीट, इसका एब्रिशन है, इसकी पूरी याद दे सकते हैं, मैंने आपके लिए ईजी करा हुआ चीज़, ठीक है ना। तो सास के फ़ायदे क्या है, ईजी तो मेरे मतलब हर बंदा सीख सकता है, आराम से कर सकता है, कोई इशू नहीं है। तो फ़ायदा है क्या, और फ़ायदा ये कि कम कोड करके आप अपनी स्पीड और टाइपिंग बढ़ा सकते हैं। ये बड़े प्रोजेक्ट में काम आएगा, छोटे प्रोजेक्ट में काम नहीं आएगा, जैसे बिग प्रोजेक्ट है, इसे ई कॉमर्स साइड है, तो 20x25 की साइड है, तो कोई वो आसानी करेगा और एक हर प्रोफेशन में चलेगा, मतलब छोटा वर्जन हो क्रोम का, फायरफॉक्स का, ओपरा का, सब पे चलेगा। साथ का ये एक ही खूबी, हर ब्राउज़र पे काम कर सकता है। और ये सीएसएस का प्री प्रोसेसर है, मतलब क्या, ये कंपाइलर पे काम करना पड़ता है, सही से कंपाइलर होता है, ये खुद सामने नहीं दिखेगा, इसे हमें कंपाइल करना पड़ेगा, जैसे लैस है, सास है, सही ना, ऐसे ही कंपाइलर पर चलते हैं इसलिए। अच्छा, ये इसका कोई मसला ये भी है कि ये इसकी फाइल बनती बनाएंगे हम लोग पर शो होगी सीएसएस के ऊपर, तो मैं आपको सिखाऊंगा बाद में कैसे काम होता है, ठीक है ना। हम लोग ये सास एचटीएमएल के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब के अलग से फाइल बनेगी, सीएसएस के अलग से फाइल बनेगी और एचटीएमएल के अलग फाइल बनेगी, तो तीन फाइल क्रिएट होगी तो सास चलेगा। सास खुद पर रन नहीं होता, जैसे हम एचटीएमएल लिखते कोड लिखते तो हमें सामने आ जाता है, वैसे नहीं आएगा ये सामने, हमें इसको कंपाइल करना पड़ेगा सीएसएस के थ्रू। वो सब बताऊँ कौन सा कंपाइलर इस्तेमाल होता है, क्या चीज़ें होती है, ऑनलाइन कंपाइलर कौन सा है, हम किस पर काम करेंगे इस बार, सब बताऊँगा मैं, ठीक है। तो ये ब्राउज़र हर ये जो तो ब्राउज़र आपको बताना चाहता हूँ, ये कोड हर ब्राउज़र चल सकता है सीएसएस का और सास का। अच्छा, अभी हम चलते हैं इसके बारे पर कि ये हमके फीचर क्या है इसके, हम इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, ये देखिए। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल ये चीज़ें होते हैं जो हम स्टोर करते हैं, मैं आपको हैंडल कर देता हूँ, मतलब आपने
जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, पीएचपी पढ़ी है, उसे वेरिएबल लेते हैं कुछ चीज़ स्टोर कराने के लिए। अच्छा है कि साथ में चीज़ें आ गई कि आपको पहले नॉलेज हो जाएगी वेरिएबल की, नेस्टिंग की, लूप की, मिक्सिंग की, कंडीशन रिफ्रेश, कंडीशन स्विच केसेस की साथ के अंदर हो जाएगी। ये बहुत अच्छा फ़ायदा है जो जावास्क्रिप्ट भी सीखी है, इसको बहुत अच्छा समझने मिल जाएगा। सर वेरिएबल्स क्या है, मतलब आप स्टोर कर ले कोई चीज़ डॉलर लगा के नाम लिखते हैं और सब आपने इनपुट करते गए, तो एक ही वेरिएबल में सर रेड कलर लगाया आपने तो सब पे रेड कलर लग गया एक ही कमांड पर। वो हम सीखेंगे, कोई मसले की बात नहीं है, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। नेस्टिंग क्या होती है, नेस्टिंग ये होती है कि आपने एक हम क्लास बनाते हैं आई डी और क्लास, ये सब जैसे क्लासेस बनेगी और मल्टीपल इस्तेमाल होगी, मतलब हर जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेस्टिंग होता है एक क्लास का फंक्शन बना दिया, हर जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। और इम्पोर्ट क्या है, इम्पोर्ट ये कि हमने खासी कोई फाइल बुलाई, फिर मेन फाइल बनाई, सबको अंदर काम किया और इसी के अंदर मल्टीपल फाइल बना के हमने इम्पोर्ट करा, इस तरीके से काम करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा मैं। अब मिक्सिंग मैक्स क्या है, वो मिक्सिंग मैक्स बोलते हैं हम इसको कोड को रीयूज़ करना बोलते हैं, मतलब एक कोड हमने यूज़ कर लिया और उसको कई बार जगह इस्तेमाल करना है, उसी वेबसाइट के अंदर, उसी प्रोजेक्ट के अंदर तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है ना। अब एक कमांड है एक्सटेंड की, एक्सटेंड क्या करता है कि अगर कोई क्लास आ जाता है, कोई कोड लिखा है या कोई क्लास का कोई सवाल है या आइडिया बनाई है आप लोगों ने, तो उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो उसके साथ, क्लास के साथ, सही है ना। ये आप सब आपको सिखाऊंगा और सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं परेशान होने की बात नहीं है। ऑपरेटर क्या होता है, ये मज़ा आएगी आपको जब जावास्क्रिप्ट पे आओगे और इस पे भी, तो प्लस माइनस डिवाइड अर्थमेटिक ऑपरेटर को कहते हैं, सही है ना। ऑपरेटर से कैसे काम करता है, ये एंड्स का ऑपरेटर होता है, नॉट का ऑपरेटर होता है, डिवाइड का होता है, एडिशन होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, हम इसे ऑपरेटर भी सीखेंगे। अब फंक्शन क्या है, कम होता है कॉल फंक्शन बिल्ड करना, फंक्शन बताने कोई फंक्शन बिल्ड जैसे इसके क्लिक पे ये चीज़ चले गया, ये इवेंट कॉल आउट हो, ये चीज़ चले इस फंक्शन, आप देखते हो कोई स्मोक बन के चल रहा होता है, इवेंट कॉल आउट हो रहा होता है, क्लिक के ऊपर इवेंट चल जाए, माउस ओवर पे इवेंट चल जाए, ये फंक्शन ये काम करते हैं, इवेंट क्रिएट करते हैं, इजीली समझाने के तरीके से। अभी कंडीशन स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट बोलते हैं, इफ एस आ गई इसको बोलते हैं, कंडीशन फ्यू केसेस हो गई, ये सब है। लूप मेन मसला मुझे लूप पे आता है, आपको भी लूप पे मसला आएगा, लूप मेरा थोड़ा वीक है और मैं आपको गाइड कर दूँगा जितना मुझे आता है। लूप नेस्टिंग की तरह ही होता है, सही है ना, ये पी एच पी के ऊपर, जावास्क्रिप्ट शार्ट के ऊपर, जावास्क्रिप्ट के ऊपर, यू ई जे एस के ऊपर वो लूप चलता है। लूप पे आपको पैटर्न बनाना सिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट के ऊपर, तो आपको और क्लियर हो जाएगा लूप के बारे में, सही है ना। नेस्टिंग की काम होता है बेसिकली मल्टीपल कंडीशन लगा के, मल्टीपल काम करा के, वेरिएबल क्लियर करा के लूप चलता है। अच्छा, ये कौन कौन बंदे सीख सकते हैं ये काम, सही है ना, किस किस को ये काम सीखना चाहिए, क्योंकि व्हाट नॉलेज डू यू हैव बिफोर लर्निंग सास, सही है। क्योंकि मैंने ये सीखे जिसको हिस्ट्री में सीएसएस आती हो, सही है। और ये हम लोग जो सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे ना सास में, वो होगा एससीएसएस सास, सही है ना, क्योंकि सास बहुत खुद मुश्किल है, इसका एक कंपाइलर है, सही है ना। आपको दिखाना कितना मुश्किल है सास करना हो एससीएस में, ये मैं पिक्चर है मैं ओपन कर रहा हूँ, हम इस पर काम करेंगे, हाउ टू राइट सास कोड। हमें सास सेंटेंस देखोगे तो आप कहीं कोमा ना डॉट ना कहीं कुछ ब्लॉक्स नहीं है, ना कोई ऐसे देखिए उसमें कली बेसिस है, इसमें नहीं है, इसी ऐसे हम लिखते थे सिंपल, तो देखिए कितना हम लिखते हैं, एन यू एल एफ कर रहे थे, नैब बार हो गया, यू एल आई डी हो गई, देखिए कितना सिंपल है ये, इस तरह काम होगा। मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे, हम इस पर भी काम करेंगे पूरा, कि मार्जिन कैसे देनी है, पेडिंग कैसे देनी है, स्टाइल क्या है, सब क्या है, वेरिएबल क्या है। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग के सॉफ्टवेयर के ऊपर और इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, सही है। तो हम चलते हैं पहले ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के ऊपर, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ और एक और भी है, तो लोग हर कोई इस्तेमाल करता है, ठीक है। सास मैसेजर हर कोई इस्तेमाल करता है, मैं ये इस्तेमाल करता हूँ सी एस पोर्टल, सही है। और इसके कुछ वो भी है कि कंपाइलर भी है, सर के ओ ए एल ए कोला, देखो बताना आपको अच्छी ज़रूरी है, आपका इंटरव्यू हो सकता है तो आपको पता हो कि कोला है क्या, कोला चलता कैसे है। ये कोला चल जाएगा। अब सी एस ए पोर्टल क्या काम करता है,
मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि सास में सर की सीएसएस क्या है। लाइब्रेरी सबकी बनी हुई है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो पोर्टल खुल गया एचटीएमएल का, जैसे पोर्टल आ गया है सही, आपको सब दिख रहा हूँ, फंक्शन क्रिएट हो रहा है, सब हो रहा है, नंबर लिस्टिंग आ रही है, ये इसका पूरा पोर्टफोलियो है। अब एक कोला ऐप 2.0 है, सही है। इसकी कुछ जगह है आपको डाउनलोड करनी है, तो सास पर जाके लिखेंगे आप सास, तो आपको उसका नया वर्जन मिल जाएगा। ये सास का पोर्टल है, वही सास का मेन्यू जनरेटर है, और ये सेस मैस्टर है, सही है। इसमें आप कोड लिखेगा, देखिए आप दिखाता हूँ थोड़ा करके आपको। नैव आपने यहाँ लिखा, नैव जैसे वहाँ बना हुआ है, देखिए आप तो कली बेसिस ले लिए, तो ये नैव चलाया थे, यूएल चलाया, थोड़ा सा काम करना शुरू किया। कि मेरा एक बटन ख़राब है, इसका मसला ऐसे रहेगा, हम कोडिंग इस पर नहीं कर सकते। मैं वो समझाने के लिए कर रहा हूँ कि कैसे खुद कंपाइल करेगा, कि खुदों को कंपाइल करना शुरू कर लेगा, सही है। ये सीएसएस पोर्टल आ गया, ये कि सर्विसेज है, सही है। आगे आपसे कोई और भी ले लेना, कैसे करता है, कि सीएसएस जनरेटर क्या काम करता है, क्या टाइम पर कैसे होगा, मैं सबको गाइड कर दूँगा। अभी सास देखिए, सास पर जाएंगे, तो जिस पोर्टल की मैं बात कर रहा था ये ना वो कंपाइलर है, एक्सटर्नल पर जाएंगे आप, सही है। ये देखिए कंपाइलर कोला, सही ना, ये भी है स्काउट ऐप, और आपका हैमर भी है, कोड की सब मैक के लिए भी इस्तेमाल होता है, विंडोज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये कोला हो गया आपके आस पास, मैं स्काउट ऐप भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, सही ना। ये दोनों बेहतरीन सॉफ्टवेयर है कंपाइलिंग करने के लिए, सही है। ये सास का मेन इसका वो है कमांड है, इसके बारे में पढ़ सकते हो, यहाँ से आपको ब्लॉग पढ़ना है, इसके बारे में लर्न सी एस एस सीख सकते हो, एक तो किस पे काम करेगा, सही है, या फिर सीख सकते हो। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इसको कभी नहीं छेड़ना, आप समझ में भी नहीं है कि आपके, सही है। मैं वो तो चीज़ें दिखा देता हूँ कि हम नेक्स्ट चलेंगे इसे काम के ऊपर। अच्छा, जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, ये स्कॉट ऐप आ गया, ये डॉगी बना होगा, आप डाउनलोड करोगे, अब डॉगी पे क्लिक करोगे चल जाएगा ये, सही है। ये अब हम इसमें अभी इतनी मेहनत नहीं करेंगे, ये कोला पे हम डाउनलोड कर लेते, कोला ऑन हो गया है, सही है। अच्छा, मैं जो इस्तेमाल करूँगा आपको सब सिखाने के लिए, वो वी एस कोड होगा, वी एस कोड मैं इस पर काम करेंगे, सही। आप डाउनलोड कर लेंगे, मेरा डाउनलोड हुआ हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बाहर आ गया वी एस कोड, तो आप फिक्र नहीं करें, इसमें हम लोग ऑटोमेटिकली लाइन सी एस एस सॉल्व हो जाती, कंपाइल सॉल्व हो जाता है, तो हमें इतनी पंचायत करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप ये इस्तेमाल करो या वो इस्तेमाल करो, ये चीज़ इस्तेमाल करो, इसे कंपाइल करोगे और ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलेंगे, जब अगली वीडियो बनेगी तो मैं बताऊंगा इस सॉल्यूशन क्या है इसकी, इसे हम कैसे काम करें, कैसे कंपाइलर डालेंगे, और कैसे हम फिर हम उसे वेरिएबल सीखेंगे, सही है। चलिए, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।